गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे इन इीडियस विल स्टार्ट चैप्टर फाइव दैट इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स उन एनिमल्स को बोलते है, जिन हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए उनको यूज़ करते हैं और उनका घर हम बनाते हैं अपने घर घर अपने घर पे नहीं रखते बल्कि उनके लिए अलग घर बनाते है. हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स और उनको अपने पर्पस के लिए अपने यूज़ के लिए अपने काम के लिए उन्हें हम यूज़ भी करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यहाँ पे कुछ एनिमल्स uh, के होम्स दिए हुए हैं हमें उन्हें कंप्लीट करना है कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स होम्स ये क्या है डॉग डॉग के होम को क्या बोलते हैं कैनल -E -E so, के ई डबल एन ई एल कैनल वट इज दिस काउ तो काउ के होम को क्या बोलते हैं काउश सी ओ डब्ल्यू एस एच ई डी नेक्स्ट इज़ हॉर्स हॉर्स के होम को क्या बोलते हैं स्टेबल एस टी ए बी एल ई स्टेबल नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में वॉट आर पेट्स पेट एनिमल किसे बोलते हैं डू एनिमल्स गिव अस फूड क्या एनिमल्स हमें फ़ूड मिलता है हाउ डू एनिमल्स हेल्प अस विथ हर वर्क एनिमल्स हम लोगों को कैसे हेल्प करते हैं हमारे काम में वॉट यूजफुल थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स हमें क्या क्या यूजफुल थिंग्स एनिमल्स से मिलता है लेट्स आर्ट द चैप्टर सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टूअ कुछ एनिमल्स जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं वी कीप देम ऑन आर फार्म्स और इन द बैकयार्ड ऑफ आर होम्स उन्हें हम अपने फार्म्स पर रखते हैं फार्म्स मतलब खेत में रखते हैं या फिर अपने घर के आसपास घर में ही बैकयार्ड में घर के पीछे उनका घर बनाते हैं वी कॉल देम डोमेस्टिक एनिमल्स उन्हें क्या बोलते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल्स वी कीप देम ऑन आर फार्म्स फार्म्स पे रखते हैं मतलब खेत में रखते हैं या फिर बैकयार्ड ऑफ आर होम्स घर के पीछे उनका घर बनाते हैं वहां रखते हैं वॉट वी कॉल देम वी कॉल देम डोमेस्टिक एनिमल्स वी लव सम एनिमल्स सो मच दैट वी कीप दैम इनसाइड आर होम्स कुछ कुछ एनिमल्स को हम इतना प्यार करते हैं कि उन्हें हम अपने साथ रखते अपने घर पर रखते हैं दे आर कॉल्ड पैट्स और उन्हें हम क्या बोलते हैं पेट्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स कैट्स रैबिट्स फिश एंड पैरट्स आर सम कॉमन पैट्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैट एनिमल्स जिन्हें हम अपने घर के अंदर रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पैट एनिमल बोलते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ हर फैमिली और उन्हें हम अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह रखते हैं वो फैमिली मेंबर का एक पार्ट होता है ठीक है वी शुड कीप देम क्लीन जब वो अपने साथ रखते हैं या फिर कोई भी एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं तो हमें उनके उनको साफ रखना चाहिए तो जो हमारे फार्म्स में रहता है या फिर बैकयार्ड ऑफ आर होम्स में रहता है घर के पीछे रहता है घर बना उनका घर अलग बनाकर हम रखते हैं उन्हें या फिर खेत में रखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स और जिन एनिमल्स को अपने हम घर पे रखते हैं अपने साथ रखते हैं अपने घर के अंदर रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पेट एनिमल्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल डॉग्स रैबिट फिश दीज आर पेट एनिमल्स नाव विल रीड एनिमल्स गिव अस फूड अब हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स हमें क्या क्या फूड मिलता है काउज बफलोज एंड गोड्स गिव अस मिल्क काउज बफलोज और गोड्स हमें क्या मिलता है मिल्क मिलता है मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर आर हेल्थ मिल्क हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे और हमें हर हर दिन मिल्क पीना चाहिए वी मेक कर्ड, बटर घी क्रीम चीज़ एसेट्रा फ्राम मिल्क मिल्क इज़ ऑल्सो यूज इन आइस एंड स्वीट्स मिल्क से हम बहुत चीज़ बनाते हैं मिल्क की बहुत सारी यूजेस है मिल्क से हम दही बनाते हैं मक्खन बनाते हैं घी बनाते हैं चीज़ बनता है क्रीम बनता है इवन आइसक्रीम्स भी बनते हैं स्वीट्स बनते हैं स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ ये सारे चीज़ किससे किस चीज़ से बनते हैं सारे मिल्क से ही बनते हैं और मिल्क हमें कहाँ से मिलता है काऊ से मिलता है बफलों से मिलता है और गोट से मिलता है सम पीपल ईट एग्स ऑफ बर्ड्स लाइक हैंड डग्स एंड गीज़ कुछ लोग एग्स खाते हैं किस किन के इनके हैंस के डक्स के डक्स मतलब बतख गीज मतलब हंस एग्स ऑफ हैंस आर ईटन द मोस्ट और हैन के एग्स ज़्यादा यूज होते हैं हैंस आर केप्ट इन पोल्ट्री फार्म और हैंस कहाँ रखे जाते हैं पाउल्ट्री फार्म में रखे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे हैंस रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम पाउल्ट्री फार्म रहते हैं दिस दिस इज़ द होम ऑफ हैंस ऐसे तो कूप होता है लेकिन जहाँ पे कॉमर्शियल पर्पस के लिए जहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है आ, मीट के लिए या फिर एग के लिए तो वो जगह क्या को उस जगह को क्या बोलते हैं हम पाउल्ट्री फार्म कहते हैं एग्स आर ऑल्सो यूज इन केक्स एंड पेस्ट्रीज एग्स को किसे यूज़ में किस चीज़ में यूज़ करते हैं हम केक्स और पेस्ट्रीज बनाने में यहाँ हम पढ़े मिल्क का क्या यूज़ है यहाँ पे हम जाने कि एक्स का क्या यूज़ है एक्स का क्या यूज़ है? यूज है केक्स और पेस्ट्रीज़ बनाने में और एक्स हमें कहाँ से मिलता है हैन से मिलता है डक से मिलता है और गीत से मिलता है और सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एक्स खाया जाता है हैन का सम पीपल ईट द मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट एंड चिकन कुछ लोग मीट खाते हैं एनिमल्स का और किन किन एनिमल्स का मीट खाते हैं गोट और चिकन का सम पीपल सच पीपल आर कॉल नॉन वेजिटेरियंस और जो मीट खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेरियंस और जो मीट uh, खाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस दे ऑल्सो ईट वाटर एनिमल्स लाइक फ़िश प्रॉन एसेट्रा वो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो वाटर एनिमल्स को भी खाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश खाते हैं प्रॉन खाते है, और भी बहुत कुछ खाते हैं और जो मीट खाते हैं हम क्या बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस नेक्स्ट इज वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीस और हनी हनी बी से हमें क्या मिलता है हनी मिलता हनी मतलब शहद दे कलेक्ट द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स हनी भी क्या करती है फ्लावर्स के नेक्टर को नेक्टर मतलब जूस फ्लावर के जूस को कलेक्ट करती है और फिर हनी बनाती है हनी इज़ वेरी स्वीट टेस्टी एंड हेल्दी हनी जो है उसका टेस्ट कैसा होता है स्वीट होता है वो मीठा होता है बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है तो यहाँ पे हमें हम क्या पढ़े यहाँ पे हमें कौन कौन से फ़ूड मिलते हैं एनिमल से काउस बफलोस और गोट से क्या मिलता है मिल्क मिलता है और कुछ बर्ड्स से हमें क्या मिलता है एक्स मिलता है टाटा हैंस डक्स एंड गीज कुछ एनिमल से हमें मीट मिलता है और कुछ और हनी भी से हमें क्या मिलता है नी मिलता है नाउ विल रीड एनिमल्स हेल्पर्स विथाउ वर्क अब हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स हमें हमारे वर्क में कैसे हेल्प करते हैं सम एनिमल्स हेल्पर्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं ऑक्सन हेल्पर्स इन प्लोइंग फील्ड्स ऑक्सन मतलब बैल बैल को हम लोग किस लिए यूज करते हैं फील्ड प्लॉ करने मतलब खेत जोतने में सी दिस पिक्चर यहाँ पे फार्मर क्या कर रहा है फील्ड प्लॉ हो रहा है मतलब खेत जोतने वो क्या बोलते हैं प्लॉइंग फील्ड्स दे ऑल्सो हेल्पर्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम वेल्स ऑक्सीजन को हम लोग कुएं से पानी निकालने में भी यूज़ करते हैं ये सब यूज़ होता है सब कुछ ये सब गाँव पे यूज़ होता है तो कभी गाँव जाकर देखना तो देखना कि जो फार्मर्स है वो ऑक्सीजन को खेत जोतने में यूज़ करते हैं और कहीं कहीं वेल से कुएं से पानी निकालने में भी यूज़ होते हैं सम एनिमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लोड कैरी करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैन म्यूल्स कैमल्स डोंगीज एसेट्रा कैरी लोड अस टू फार ऑफ प्लेसेस। ये सब एनिमल्स यूज होते हैं लोड कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब कोई भी सामान पहुँचाना होता है तो कौन एनिमल्स को हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्स म्यूल्स कैमल्स और टोंगीज और भी बहुत सारे एनिमल्स यूज़ होते हैं सम एनिमल्स ड्रॉ कार्ड्स कुछ एनिमल्स होते हैं जो गाड़ियाँ चलाने में यूज होते हैं। हॉर्सेस बुलग्स एंड कैमल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज एनिमल्स फॉर ड्रॉइंग कार्टस आप लोग बैलगाड़ी देखे हो कभी बैलगाड़ी में देखना कि पीछे गाड़ी रहता है और आगे बैल रहता है उसे क्या बोलते हैं हम बैलगाड़ी उसे हम बोलते हैं बुलक कार्ड ठीक है ये सब एनिमल्स को हॉर्सेस, बुलेट्स को और कैमल्स को काट चलाने में काट मतलब गाड़ियाँ चलाने में हम लोग यूज़ करते हैं सम एनिमल्स आर यूज फॉर राइडिंग कुछ एनिमल्स राइड करने में यूज़ होते हैं फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस कैमल्स एलिफेंट्स These एनिमल्स आर यूज फॉर राइडिंग तो पहले हम लोग पढ़ें एनिमल्स हम हमें क्या क्या देते हैं एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है एग्स मिलता है मीट मिलता है हनी मिलता है ये हमें फूड मिलता है एनिमल्स से इधर हम लोग जाने कि एनिमल्स हमारे वर्क में कैसे हेल्प करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने में यूज़ हेल्प करते हैं प्लॉइंग करने में यूज़ करते हैं लोड कैरी करने में यूज़ करते हैं या फिर कार्ड्स को ड्रॉ करने में यूज़ करते हैं मतलब गाड़ी चलाने में यूज़ करते हैं राइडिंग करने में यूज़ करते हैं ऑल दीज एनिमल्स दैट आर यूज फॉर हैवी वर्क आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन ये जो एनिमल्स है जो हमें हमारे हेल्प में ऐसे बड़े बड़े कामों में यूज़ करते हैं हम उन्हें हम क्या बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन ऑल दीज एनिमल्स डेट आर यूज फॉर हैवी वर्क जो इन सारे भारी कामों में यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन तो आज हम, हम यहीं तक पढ़ेंगे नाउ दिस इज डिफाइन ऑफ चैप्टर फाइव एंड योर होमवर्क विल भी दैट यू विल भी राइटिंग दीज डिफाइनस इन यूर क्लास फॉर कॉपी एंड लर्निंग दैम द फर्स्ट वर्ड इज़ पैट पेट किसे बोलते हैं द एनिमल्स विच वी कीप इनसाइड अयर हाउसेज ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम अपने घर पर रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पेट एनिमल्स बोलते हैं नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म क्या होता है द प्लेस वेयर हैंस आर कैप्ड फॉर देर एग्स एंड मीट ऐसा जगह जहाँ पर हैंस को हैं को रखा जाता है एग और मीट के लिए अपने यूज़ के लिए रखा जाता है एग और मीट के यूज़ के लिए रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं उस जगह को हम पोल्ट्री फार्म बोलते हैं नेक्स्ट इज नॉन वेजिटेरियंस द पीपल हु ईट मीट फिश एसेट्रा आर कॉल नॉन वेजिटेरियन पीपल जो मीट और फिश खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन कहते हैं नेक्स्ट इज हनी हनी मतलब शहद और ये हनी कौन बनाता है हनी बी बनाती है स्वीट एंड हेल्दी फूड मेड बाई बीज ये स्वीट भी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है और कौन बनाता है इसे बीज बनाती है नेक्स्ट इज बीस्ट ऑफ बर्डन द एनिमल्स डेट हेल्प विथ हर वर्क ऐसे एनिमल्स जो हमें हमारे काम में यूजफुल हो और हमारे हैवी हैवी काम करते हो बहुत ही टफ काम करते हो जिन्हें हम अपने काम में यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन फॉर एग्जाम्पल ऑक्स बफलोज टोंकी सब क्या है बीस्ट ऑफ बर्डन है नेक्स्ट इज लेदर अ मटेरियल मेड फ्रॉम स्किन ऑफ समेड एनिमल्स लेदर किससे बनता है स्किन ऑफ डेड एनिमल से नेक्स्ट इज मैन्योर अ मटेरियल डेट हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स मैन्योर मतलब खाद तो खाद किस लिए यूज़फुल है हमें हेल्प करता है क्रॉप्स को ग्रो करने में ये क्रॉप्स को ये मिट्टी में डाला जाता है ताकि जो क्रॉप्स है बहुत ही हेल्दी ग्रो करे दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू